आपका अपना चैनल न्यूज TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर का दौरा किया, साथ ही अपनी मां का 100वें जन्मदिन पर आशीर्वाद लिया। हिंसा की साजिश के नेटवर्क का भंडाफोड़। अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार एक तरफ लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कई साजिश का भी भंडाफोड़ हुआ है। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे युवाओं को चेतावनी देते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि अगर वो हिंसक वारदातों में शामिल हुए तो उन्हें नहीं मिलेगी पुलिस क्लियरेंस। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात गौरव अभियान में शामिल हुए। उन्होंने यहां पर रोड शो करके दर्शकों का अभिनंदन किया। इस अभियान में पीएम मोदी ने 30,000 करोड़ की सौगात दी। अग्निपथ प्रोटेस्ट के हिंसक होते ही रेलवे ने करीब 200 ट्रेनों को किया रद्द। अग्निपथ रिव्यू मीटिंग में देश भर में अग्निपथ पर विरोध के बीच केंद्र की बैठक बुलाई गई। इसमें सुरक्षा एजेंसियों को 18 और 20 जून को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इस दिन खुफिया एजेंसियों ने हिंसक प्रदर्शक होने की आशंका जताई है। मूसेवाल हत्याकांड। लॉरेंस बिश्नोई को थर्ड डिग्री टॉर्चर दे रही है पंजाब पुलिस, गैंगस्टर के वकील का आरोप। दुनिया में जब भी भारतीय फुटबॉल का जिक्र होता है तो दो ही नाम जहन में आते हैं, एक पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया का और दूसरा कप्तान सुनील छेत्री का। फीफा इन दिनों छेत्री पर एक खास सीरीज बना रहा है जिसकी शूटिंग जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत के साथ उनके बेहद अच्छे रिश्ते हैं और वह 2 बार भारत का दौरा भी कर चुके हैं। अमेरिका ने हाल ही में कहा था कि भारत के साथ उनकी साझेदारी बढ़ी है। सदी में पहली बार ब्रिटेन का पारा चढ़कर 34 से 35 डिग्री पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ इटली में सूखाग्रस्त क्षेत्र मिले हैं। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN।